आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा YouTube मोटिवेशनल स्पेस के दो बड़े नाम। एक ने पहले बिजनेस किया फिर YouTube पे आए, दूसरे ने YouTube पे आके अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट किया। लेकिन आज के तारीख पे ये दोनों एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। ये कंट्रोवर्सी उसी एक बिजनेस मॉडल का है, MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो 12 दिसंबर 2023 संदीप महेश्वरी के चैनल पे एक वीडियो आती है जिसमें संदीप महेश्वरी तीन लोगों से बातें कर रहे हैं जिन्होंने एक कोर्स को खरीदने के लिए 35,000 से लेकर करीब 50,000 तक इन्वेस्ट किया था। और ये एक बिजनेस कोर्स था जहाँ पे उनको कहा गया था कि अगर आप ये कोर्स सीख लेंगे तो आपको बिजनेस करना आ जाएगा और आप नॉर्मल दुनिया में बहुत सारा पैसा कमा पाओगे। मतलब कुछ तरीके के ड्रीम्स दिखाए गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कोर्स कम्प्लीट किया तो पता लगा कि उन्हें कुछ खास सीखने को नहीं मिला। और जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें कहा गया कि जो कोर्स हमने आपको बेचा है वो आप आगे बेचिए, जिसके बदले आपको कुछ परसेंट कमीशन दिया जाएगा और अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। और यही बात संदीप महेश्वरी को कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगी, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे माजले को अपने शो में डिटेल में डिस्कस किया। इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग बात था कि इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन बैकड्रॉप पे कुछ ऐसी चीजें हुई जैसे कि विवेक बिंद्रा का अपने एम्प्लॉइज को संदीप महेश्वरी के घर भेजना, साथ में लीगल नोटिस भेजना, वीडियो को टेकडाउन रिक्वेस्ट करना, ऐसी बहुत सारी रीजंस की वजह से फाइनली संदीप महेश्वरी ने एक कम्युनिटी पोस्ट किया। और इंटरेस्टिंग बात अगेन आती है कि इसके कुछ ही घंटों बाद विवेक बिंद्रा भी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सारी चीजें और उनका भी एक कम्युनिटी पोस्ट आती है। अब संदीप महेश्वरी विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी कहां तक जाती है वी डोंट नो, लेकिन फाइनली विवेक बिंद्रा का भी इसके ऊपर रिप्लाई वीडियो आ चुका है। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको छोटी सी क्लिप प्ले कर देता हूं। सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते। स्कैम बोला आपने। अर्नेस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है, अर्नेस्ट एंड यंग को आप ऑनबोर्ड करो पहले। आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट। ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है, सारी की सारी रिपोर्ट अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को GST के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है? less than 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला। कैसे बोला स्कैम आपने? तीन बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूँ, एक एक करके सब करता हूँ। लेकिन जब आपको आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूँ, आज भी करता हूँ, आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूँ। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे उनका कितनों का नुकसान किया आपने? क्यों थोड़ा मजा आया आपको? हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना। आपने क्या नंबर्स ब्लॉक कर दिए? सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए? हाँ भाई साहब, मैंने पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मास्टरी शुरू करते वक्त। टाइमिंग है जाने मन। दिस वॉज द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड पीस आउट।